नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब समय आ गया है कि आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाएं। साथियों, आपकी तैयारी के क्रम को हम आज इस वीडियो के साथ शुरू कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड बहुत अच्छी वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि टॉपिक है लेखांकन की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र पर निर्भर। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखांकन का क्या अर्थ होता है? तो प्रत्येक लेन देन को हिसाब किताब की पुस्तकों में क्रमबद्ध लिखने की प्रक्रिया लेखांकन कहलाती है। लेखांकन की प्रकृति किस पर आधारित होती है? लेखांकन की प्रकृति गणना एवं मदों के कुल योग पर आधारित होती है। लेखे तैयार करने का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? लेन देन को याद रखना, लाभ हानि का पता लगाना और आर्थिक स्थिति का पता लगाना। साथियों, किसी फर्म या कंपनी में लेखे तैयार करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे लेखाकार यानी अकाउंटेंट कहा जाता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? तो उसे व्यापार, बिजनेस कहते हैं। जो व्यक्ति पूंजी लगाकर व्यापार को आरंभ करता है तथा व्यापार के लाभ हानि को वहन करता है, उसे क्या कहलाता है? तो व्यापार का स्वामी कहलाता है, यानी कि प्रोपराइटर कहलाता है। किसी वस्तु के लेन देन या क्रय विक्रय करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको सौदा या लेन देन, या फिर इंग्लिश में कहें तो ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो साथियों, हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आपको बताने जा रहे हैं। आगे इसी वीडियो में आप बने रहें और अंतिम समय तक इस वीडियो को देखते रहें। व्यापारी द्वारा जितनी भी रोकड़ एवं माल या अन्य संपत्ति द्वारा व्यापार आरंभ किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पूंजी, यानी कि कैपिटल। व्यापार के स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत काम के लिए जो भी रोकड़ या माल व्यापार से निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ड्राइंग्स या फिर निजी आहरण कहा जाता है। व्यापारी द्वारा जो वस्तुएं लाभ बेचकर लेकर बेचने के लिए खरीदी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे माल कहते हैं। व्यापार के लिए खरीदे गए माल को क्या कहा जाता है? उसे परचेस कहा जाता है, यानी कि क्रय कहा जाता है। यदि किसी कारणवश खराब माल या ऑर्डर के अनुसार माल न होने पर उसको वापस किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तब ऐसी कंडीशन में जो माल वापसी, यानी कि क्रय वापसी कहलाती है, परचेस रिटर्न इसे इंग्लिश में कहते हैं। व्यापार में जो माल बिक जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो व्यापार में बिके हुए माल को सेल्स कहा जाता है। विक्रेता द्वारा बेचा गया माल यदि किसी कारणवश विक्रेता को लौटा दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सेल्स रिटर्न यानी कि विक्रय वापसी कहा जाता है। कभी कभी विक्रेता द्वारा माल की कीमत में कुछ राशि क्रेता के लिए कम कर दी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डिस्काउंट बोलते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपने 100 रुपये का सामान लिया है और उस पर आपको वो 90 रुपये आप फाइनल पेमेंट करके आए, तो 10 रुपये जो हो गया आपकी छूट हो गई। छूट भी दो प्रकार की होती हैं और आप जो हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और जनरल एंट्रीज रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने वाले समय में आपको मिल जाएंगी। आप उनको वन बाई वन देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि छूट के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक होती है व्यापारिक छूट और एक होती है नकद छूट। व्यापारिक छूट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और नकद छूट को कहते हैं कैश डिस्काउंट। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा आय व्यय के संबंधित सभी लेन देनों के संक्षिप्त विवरण को क्या कहा जाता है? तो एक ब्रीफली स्टेटमेंट अकाउंट बन जाता है, यानी कि उसे खाता कहते हैं। प्रत्येक खाते के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले भाग को क्या कहा जाता है? उसको डेबिट साइड कहा जाती है, यानी कि ऋणी साइड कहा जाता है। प्रत्येक खाते के दाईं ओर वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो बाईं ओर का तो डेबिट हो गया, लेकिन दाईं ओर का होता है क्रेडिट, यानी कि धनी साइड। व्यापारी के लेन देन के कितने पहलू होते हैं? तो लेन देन यानी कि जो एक्सचेंज होता है, उसके दो पहलू होते हैं, एक क्रेता और विक्रेता। ठीक, किसी व्यक्ति या संस्था जिनसे व्यापारी को कुछ पाना है, वह क्या कहलाते हैं? तो अगर हमारा व्यापार है और हमें किसी से कोई पैसा लेना है, तो वह हमारा डेटर कहलाएगा, यानी कि देनदार कहलाएगा, यानी कि ऋणी कहलाएगा। तो साथियों, आप सभी समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और आपको जो है अपने एग्ज़ाम में बेहतर तैयारी करा सकते हैं। साथियों, हम आपसे इसी तरह की वीडियोस जो है अपलोड करते रहेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद हम जो है एक क्वेश्चनरी जो है आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपको इस वीडियो का सार संक्षेप करके आपको क्वेश्चन आंसर करके बताएगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी अपनी कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इसका अंतिम पड़ाव देखते हैं। तो किसी व्यक्ति या संस्था जिसको व्यापारी से कुछ पाना होता है, वो क्या कहलाते हैं? वे व्यापार के लेनदार कहलाते हैं। ठीक, जो धन देनदार से वसूल नहीं हो पाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बैड डेब्ट यानी कि अशोध्य ऋण कहा जाता है, या फिर उसे डूबत ऋण भी कह सकते हैं। व्यापार को सुचारू रूप से यानी कि कंटिन्यूसली अच्छे से चलाने के लिए जिन वस्तुओं को व्यापारी
आवश्यकता अनुसार क्रय करता है वह क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं कंपनी या किसी व्यापार के लिए संपत्तियाँ। संपत्तियाँ किसी भी व्यापार को आसानी से चलाने में मदद करती हैं। वर्ष के अंत में जो माल व्यापारी के पास बिना बिके हुए रह जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, जो माल बिना बिके हुए वर्ष में जो है अंत में रह जाता है उसको आप समझिए, उसको क्लोजिंग स्टॉक यानी कि रहतिया कहा जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करते चले, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो हैं कॉमर्स की दुनिया पर बने रहें, क्योंकि कॉमर्स की दुनिया आपको कॉमर्स रिलेटेड डे टू जेड वीडियोज़ प्रोवाइड कराती रहेगी। और हम अब से लक्ष्य साधित कर चुके हैं कि आने वाले समय में आपको इतना कंटेंट और इतनी वीडियोस हम प्रोवाइड करा दें कि आपको किसी और माध्यम से और किसी अन्य चैनल पर जाने की आवश्यकता ही ना हो। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस वीडियो के आगाज से ही आपको समझ में आने लगेंगे कि हमारा जो वर्क परफॉर्मेंस है वो किस आधार का रहने वाला है। तो साथियों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मैं कहूँगा आप चैनल जरूर